नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम कुछ अलग ही मायने हैं। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। ये जानते थी कैसी थी मीरा और कृष्ण की अनोखी प्रेम कथा। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी। मीरा श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि प्यारी माँ, मेरा दुल्हा कौन होगा। मीरा के सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद मीरा की मां का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी, बहुत सुरीला आवाज में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराजा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई जिसे उनकी मां ने उनका दुल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने के बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य भी करती। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के लिए श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन श्री कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। जिसके बाद मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुन के राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुँच कर उन्हें मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले बात करते हुए देखा। ये देखने के बाद वो गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बात कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति को इशारा कहती है, मेरे स्वामी हैं, से मेरा विवाह हो गया है। तो सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी श्रद्धा से अपने पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेलजोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों की हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानते थे कि प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की सारी कोशिशें हद पार हो गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने ही जवाब में दिया कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा होता है। प्रेम होता है तो दूसरे रिश्ते झूठे और व्यक्ति होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदल के मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ पहुंचे। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली वो बेहद क्रोधित हो गया, जिसके बाद उन्होंने मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी, तुमने हमें लांछित किया। मीरा ने राणा की कई बातों का पालन किया और वो गोविंद गिरधारी गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते नाचते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की तो किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और गिरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देख के मीरा को विश्वास नहीं हुआ, कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले कि मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई।
मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा वृंदावन आकर मीरा से माफी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार कर देती है। कहती है कि मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा। यह सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मीरा भी मेवाड़ लौट जाती है और अपने पति राणा से विनती करती है कि वह उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दें। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पे द्वारिका में कृष्ण के मंदिर में मीरा श्री कृष्ण से कहती कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हो? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते हैं सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है और लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती, सिर्फ मीरा और उनके बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई।